हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माई किचन। आज मैं बना रही हूँ पालक पनीर की सब्जी। तो मैंने देखी पालक, टमाटर, प्याज को छील के और गार्लिक सबको बॉईल कर लिया है, यानी बॉईल कर रही हूँ। अब इनको बॉईल करने के बाद में मैं ठंडा करके ग्राइंड कर लूँगी मिक्सी में। ये देखिए, गार्लिक, हरी मिर्ची सब मैंने एक साथ डाल के बॉईल कर लिया है। और अब हम इसे ठंडा करके मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। हमें पालक के साथ सभी को 5 से 10 मिनट तक बॉईल करना है और फिर ठंडा कर लेना है। मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है और उसे धो के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप अपनी मनचाही शेप में बड़े छोटे टुकड़े ले सकते हैं पनीर के। चलिए फ्राई कर लेते हैं पनीर को। ये हमने पालक, प्याज और टमाटर, गार्लिक और हरी मिर्च को बॉईल कर लिया है और उसको ग्राइंड कर लेते हैं फ्रेंड। चलिए, हमने थोड़ी सी दही ली है, उसमें पानी मिक्स करके थोड़ा सा ये दही का छाछ जैसा पेस्ट बना लिया। अब इसमें हम 1 चम्मच बेसन ऐड करेंगे। 1 चम्मच बेसन डाला मैंने इसमें लस्सी में, छाछ में, उसे मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं ऐड करना। ये हमारा थोड़ा सा पेस्ट रेडी हो गया है। चलिए हम पनीर को फ्राई कर लेते हैं। पनीर को हम फ्राई कर लेंगे हल्का सा, लाइट फ्राई। चलिए फ्राई हो गया, इसे निकाल लेते हैं। पनीर हमारा फ्राई हो गया है एकदम मस्त। चलिए भी नेक्स्ट तड़का लगाते हैं। अब हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे, थोड़ी लाल मिर्च, और अब हम ये पेस्ट डालेंगे जो हमने पीसा था। पालक और सारी सब्जियों का मिक्स हमने ग्राइंड किया था पेस्ट, हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो दही और 1 चम्मच बेसन का हमने पेस्ट बनाया था वो, और फिर जल्दी से चलाएंगे, मिक्स कर देंगे। इससे पालक पनीर में बहुत ही यम्मी टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा सुपर फ्लेवर आता है। ये एडिशनल है, ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड करें, बट इससे बहुत ही टेस्टी पालक पनीर का टेस्ट आता है। चलाते रहना इसे 1 मिनट 2 मिनट तक। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक, नमक स्वाद अनुसार ऐड करें। धनिया पाउडर, रेड चिली स्वाद अनुसार, अगर आपको तीखा पसंद है तो ज़्यादा ऐड करें। 1/2 चम्मच हल्दी। अब सारे मसाले को कम से कम 2 मिनट तक पकाएं, मिक्स करके मीडियम फ्लेम रखें। जो बेसन वाला पालक पनीर है ना, ये बहुत ही सुपर टेस्टी यम्मी बनता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। एक नया स्वाद देता है पालक पनीर की रेसिपी को। मैं अक्सर बनाती हूँ और मेरे घर में सभी को बहुत पसंद आता है, स्पेशली मुझे बहुत पसंद है। 5 मिनट हमें इसे पकाना है मसाले के साथ इसको, और अब हम इसमें ऐड करेंगे पनीर जो हमने फ्राई किया था। 2 मिनट इसे अभी सिम पर पकाएंगे पनीर को, ताकि हमारा पनीर भी अच्छे से मसाले के साथ मिक्स हो जाए पालक के साथ। पनीर को मैंने 2 से 3 मिनट पका लिया है। अब मैं ऐड कर रही हूँ गरम मसाला, और इसे भी 2 मिनट और पकाएंगे, अच्छे से पूरा मिक्स कर लेंगे पालक पनीर और गरम मसाले को, और गैस को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। पनीर हमारा बिल्कुल सॉफ्ट है, ये देखिए बिल्कुल ईजीली कट रहा है। तो रेसिपी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। चलिए अब इसे सर्व करते हैं डिलीशियस पालक पनीर को। देखिए कितना टेस्टी और यम्मी दिखता है, एकदम मस्त और हेल्दी। चलिए सर्व करते हैं पालक पनीर को। पालक पनीर का तो नाम ही काफ़ी है फ्रेंड्स, इसका नाम लेते ही मुँह में पानी आने लगता है। और ये सभी की फेवरेट रेसिपी होती है पालक पनीर, लगभग सभी लोगों को पसंद आता है, और ये सबकी फेवरेट रेसिपी है और ट्रेंडिंग रेसिपी है। बच्चे बड़े सभी इसको बहुत पसंद करते हैं, और ये बहुत ही हेल्दी भी है। तो मेरे तरीके से आप ज़रूर ट्राई करें और बनाएं ये डिलीशियस पालक पनीर। एक बार मेरे तरीके से आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बनाएं और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। और मेरी इस रेसिपी को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें फ्रेंड्स। और कुछ कमी हो तो बताएं फ्रेंड्स। लीजिए, हमारी पालक पनीर रेडी है और इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। देखिए कितनी मस्त लग रही है। मेरी रेसिपी को लाइक एंड शेयर जरूर करें फ्रेंड्स, आपको कैसे लगी कमेंट करके बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अगेन। मेरी रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें एक बार, इस टेस्ट को, बेसन वाले टेस्ट को, आपको बहुत पसंद आएगी। थैंक्स अगेन, थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।